या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 438। 28th of August 1986, Wildlife Dedication, Dar es Salaam. Yali Madad, Zinda Road. Life is majlis mein. हमें ये समझना चाहिए कि जिस मंडली में हम लोग आए हैं ये मंडली भला क्या है और ये मंडली कब और कैसे चालू हुई। जिस तो हमारा या सामने गुरु सदरदीन का एक गिनन का पाठ बोला। सिर सो हमारा यानी तेरे पांव धरिया है मौला, मेरा जो सिर है वो तेरे पांव पे रखा है। इंग्लिश में कहते हैं सबमिशन या टू सरेंडर, अपने आप को सौंप देना, ताबे हो जाना, सबमिट हो जाना। जो वर्ड इस्लाम है उसका मतलब भी यही है। इस्लाम का मतलब है खुदा के सामने अपने आप को सौंप देना। खुदा के लिए हम अपना सब कुछ सबमिट कर देते हैं। हमारा जो मजहब है इस्लाम दीन का एक तरीका है और रसूल अकरम से हमारे इस मजहब की बहुत सी बातें चली आती हैं जो आम तौर पे हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों को खबर नहीं। वजह उसकी ये है कि इमामत सिर्फ इस्माइलियों के पास है। अलबत्ता हमारे दूसरे शिया भाई हैं वो इमामत की बुनियाद को मानते हैं, लेकिन उनके बहुत से ऐसे फिरके हैं
कि जिनके इमाम आज से सैकड़ों वर्ष पहले गायब हो गए या उनकी इमामत का सिलसिला बंद हो गया, हम इस्माइलियों को खुदा की इस रहमत का शुक्राना अदा करना चाहिए कि हम लोगों के पास हर जमाने में हर वक्त हजर इमाम मौजूद है, रहा है, और हमारे इमामों का दावा भी है, हमारे इस फिरके का दावा भी है कि कयामत तक ये इमामत का सिलसिला चलेगा। इस खुशनसीबी के हिसाब से हम इस्माइली लोग बहुत सी दफा बेदरकार भी हो चुके हैं और हमारे अंदर इंग्लिश में कहते हैं लेथर्जी। लेथर्जी का मतलब होता है कि किसी काहिल सुस्त आदमी को, लेजी आदमी को कितना भी समझाओ तो वो मानता ही नहीं, समझता ही नहीं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेथर्जी और हमारे ऊपर थोड़ी सी लेथर्जी है। मैं आपको एक अम्यूजिंग स्टोरी सुनाऊं ये समझने के लिए कि हम कहाँ हैं। एक बड़ा मालदार आदमी था, उसकी दोस्ती बड़े बड़े आलिमों के पास साथ थी, वो उनके साथ बैठा करे। एक दिन इंसान की जहालत और इंसान के अंदर जो सुस्ती है, लेजीनेस है, इसके ऊपर कुछ चर्चा हो रही थी तो उस आलिम ने कहा कि दोस्त, इंसान के खमीर में, यानी इंसान को जब खुदा ने बनाया तो उसकी मिट्टी के अंदर ये सुस्ती काहली रख दी। यानी इंसान की जो खामियां और कमजोरियां हैं उसके अंदर एक कमजोरी ये भी है। रसूल अकरम फरमाते हैं कि इंसान जो है ना वो मिक्सचर है दो चीजों की, अल इंसान व मुरक्कबुन व खताए व निसियान। इंसान को खुदा ने मिक्सचर वाला बनाया और उसकी मिक्सचर के अंदर एक तो यह है कि वो खता करता है यानी मिस्टेक करता है, और दूसरा यह है कि वो भूल जाता है, निसियान कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस को। तो इस किस्म का चर्चा होता था तो उसने कहा कि नहीं साहब, ऐसा तो नहीं है यार, इतने लोग काहिल हो जाते हैं कि खुद का फायदा भी छोड़ देते हैं। उसने कहा हाँ। एक दिन ये दोनों घोड़ों पर बैठ के एक ऐसी जगह पे गए कि जहां लोग भीख मांगते थे। अभी भीख मांगने वाले कौन होते हैं पता है? कि जिनकी नेचर के अंदर सुस्ती और काहली होवे, या तो उनका जितना भी माइंड है मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है, उनका एटीट्यूड बदल जाता है, ये लेजी होते हैं इसके लिए। हाँ, कभी कभी चोर डाकू भी भिखारियों का भेद बदलते हैं, उनकी बात नहीं होती यहाँ। तो ये भिखारी जहाँ बैठे थे, बहुत से लोग वहां ये पहुंचे। ये सेठ कहता है मैं एक रुपया दूंगा। वो पुराने जमाने की बातें हैं कि जब एक पैसा भी बहुत बड़ी चीज थी तो जमाने के अंदर एक रुपया तो बाद लोगों की एक आधे महीने की तनख्वाह होती थी। कहता मैं एक रुपया दूंगा उसको जो मुझे आके अपनी काहली सुस्ती की यानी लेजीनेस की अपनी कोई बात सुना ले कि मैं इतना काहिल था, मैं इतना लेजी था। कुछ लोग भाग के आए, सबने कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाई। मिसाल के तौर पे एक ने कहा कि सेठ, ठंडी बहुत थी, मैं सिगरेट पी रहा था और इसके अंदर मुझे नींद आ गई, मेरा कंबल जल गया, लेकिन उस नींद और सुस्ती के अंदर मैंने उठने की हिम्मत ना की। लेजीनेस कहाँ होती है कि जहाँ हिम्मत नहीं होती। करेज का ऑपोजिट लेजीनेस है। तो हिम्मत की ऑपोजिशन में क्या है? सुस्ती और काहली। तो कहता है मेरा सारा कंबल जल गया लेकिन मैंने उसको उठ के बुझाया नहीं, मैं इतना सुस्त हो गया, लेजी बन गया। इस तरह सब लोगों ने आ आके अपनी अपनी बातें सुनाई लेकिन एक आदमी नहीं आया। जब एक आदमी नहीं आया, उसको बुलाया, भाई तू कुछ सुना, तो वो उधर ही बैठा रहा। आलिम ने कहा ये सबसे ज्यादा सुस्त है, उसको जाकर रुपया दे दो। वो अपनी वार्ता भी सुनाने नहीं आया। मतलब ये है कि इंसान के अंदर
ऐसी खामियां कमजोरियां पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ने बीमारियां भी बनाई, उनकी दवाएं भी बनाई। बाज चीजों के अंदर अवगुण है तो उनके अवगुण मिटाने के लिए खुदा ने गुण वाली चीजें भी पैदा की। अवगुणों की बात आपके समझ में आ सके तो मैं आपको कह दूं कि भाई कभी कभी इंसान ओवर ईटिंग कर लेता है, ये एक अवगुण है, ये एक खराब आदत है। जब इतना बहुत खा ले ले कि इंसान के पेट में आधा गिलास पानी भी ना जा सके तो अभी ये खराबी है, और अगर इस खराबी का इलाज न किया जाए तो बहुत से लोगों को हार्ट अटैक होता है। मगर इसका एक और इलाज भी है, और इलाज यह है कि 2 टीस्पून विनेगर के आधे गर्म पानी में डालो, 3 चम्मच सॉल्ट डालो, थोड़ा नमक डालो और उसको थोड़ा थोड़ा पी जाओ तो ये ओवर ईटिंग जो है वो बैठ जाएगी, अब सुख मिट जाएगा, मन की घबराहट दूर हो जाएगी। तो खुदा ने जिस तरह दुनिया में हमारी भूल की वजह से जो खराबियां होती हैं उन खराबियों का इलाज भी सामने बताया है, और इलाज हमको कहां आलिमों के पास से मिले, जो इलम जानते हैं खुदा ने जिनको इल्म बख्शा है। और सबसे बड़े आलिम जो होते हैं वो नबी होते हैं, ये सब नबियों के अंदर से इल्म मिले। खुदा ने नबियों के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग बनाए कि उनको जुदे जुदे इलाकों में रखा, अलग अलग संस्कृति में रखा, अलग अलग जगहों के ऊपर रखा, अलग अलग उनको पेशे दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस जो थे वो कारपेंटर थे, नूह नबी जो थे वो बोट बनाया करते थे, इब्राहिम नबी जो थे वो मिट्टी इकट्ठी करके और उसको बेचा करते थे, रसूलुल्लाह जो थे वो एक दूसरे का माल इकट्ठा करके कमीशन एजेंट का काम किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे तो वो गाय बकरियां जलाया करते थे। तो अलग अलग नबियों ने अलग अलग पेशे किए ताकि लोगों को उन पेशों के अंदर से हिदायत मिल सके। लेकिन नबियों ने दुनिया के अंदर बहुत से इल्म भी बख्शे, ऐसे बहुत से नबी थे कि जो राजा बादशाह भी थे। इन्हीं नबियों के अंदर एक नबी थे, उनका नाम था लुकमान। लुकमान बहुत बड़े हकीम थे, हकीम कहते हैं हिकमत वाले को, और वो दवा दारू भी करते और सिखाते थे। हजरत लुकमान जो थे वो एक दफा पकड़े गए, अकेले सफर करते थे। पुराने जमाने के अंदर लोग ऐसे अकेले आदमी को पकड़ लेते थे जो डाकू वगैरह होते थे, तो इन लोगों को दूसरे शहरों में जाके बेच डालते थे, जिस तरह कोई बकरी पकड़ ली और बेच दिया। तो लुकमान नबी को मिस्र में जाके किसी के हाथ में बेच दिया, अभी बिक गए, नबी थे। दुनिया के हिसाब से उनको अपने जो दुनियावी सेठ था उनकी खिदमत करनी चाहिए। अब उसको पता नहीं था कि ये नबी हैं, और इन्होंने भी अपनी नबूवत को जाहिर नहीं किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। पकड़े गए। तो जो सेठ था उन्होंने इनके साथ बातें चीतें की तो उसको असर पड़ा कि ये कोई बहुत अकल वाला आदमी है। कहा, अच्छा जाओ तुम, मेरी खेती है खेतरों के अंदर, फार्म्स के अंदर जो आदमी लोग काम करते हैं उनकी सुपरविजन करो, उनका ध्यान रखो। तो वो उधर चले गए, मगर हजरत लुकमान ने देखा कि मेरा जो सेठ है उसके आचार विचार अमल अमाल अच्छे नहीं, वो जाहिर में अच्छा बनता है लेकिन बातों के अंदर उसकी नीयत अच्छी नहीं, वो लोगों को दिखाने के लिए धर्म कर्म करता है और इज्जत हासिल करने के लिए खैर खैरात करता है, ना खुदा से डरता है ना मजहब से चलता है। अब हजरत लुकमान जो नबी हैं, नबियों का काम यह होता है कि एक सिंगल आदमी होवे के 10-20 होवे के 10-20 हजार लाख होवे, वो खुदा की मखलूकात को रास्ता दिखाने वाले हैं। और यही बात मिशनरियों की, दाइयों की, दुनिया के अंदर जो मुबल्लिग हैं, पंडित हैं, साधु हैं, उनका काम भी यही होता है। रसूल अकरम फरमाया है कि अल उलमा वारसून अंबिया
कि जो आलिम लोग हैं इस्लाम के अंदर वो नबियों के वारिसदार हैं, तो मिशनरियों का काम भी यही है, वाइजीन का काम यही है कि लोगों को हिदायत की जाए, माने ना माने। बहुत दफा ऐसा होता है जमात खाने के अंदर, आप लोगों को तो मालूम है, मैं कईयों को पर्सनली टोक भी चुका हूँ कि जमात खाने के अंदर कि जहाँ इबादत गाह है, खुदावंद आलमीन का इधर नूर मौजूद है, इबादत करने के लिए हम आते हैं, कई लोग दुआ खत्म हो जाती है, लंबे पांव करके बैठ जाते हैं, तो मैं तो उनको बोलता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखते हैं, पांव खींच लेते हैं, चले जाता हूँ तो फिर शायद लंबा पांव कर लेते होंगे, चलो वो उनके अमाल के साथ, ये एक बहुत बड़ी बेअदबी बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अपने सेठ की हालत देखी, तो एक दफा उन्होंने एक खास टुकड़े के अंदर जगह वगैरह साफ कराई, सेठ को पूछा कि सेठ यहाँ कौन सा बीज डालें, तो उसने कहा कि गेहूं डालो। भले सर, लेकिन गेहूं की बजाय लुकमान नबी जौ लेके आए, इंग्लिश में जौ को बारले कहते हैं, जौ। सेठ ने कहा कि इधर गेहूं लगाओ, लेकिन आपने जानबूझ के इधर जौ बो दिए। सेठ की हुक्म की नाफरमानी जरूर थी, लेकिन उसमें एक हिकमत थी, नियत अच्छी थी। 6 महीने के बाद जब ये फसल तैयार हुई और उसमें जौ लगे और मालिक देखने के लिए आया, तो वो बड़ा बिगड़ा, कहने लगा लुकमान मैंने तो कहा था कि इधर गेहूं बो, तो ये तो जौ निकले। कहते साहब हमने तो गेहूं बोए थे लेकिन जौ बन गए। कहते कैसी बातें करते हो, ऐसी बड़ी अकल वाली बातें सुनने के बाद आज तुम्हारे मुंह से ये बात निकलती है, भला गेहूं डालेंगे तो जौ थोड़े होंगे, गेहूं डालेंगे तो गेहूं होंगे, जौ डालेंगे तो जौ होंगे, जरूर गलती हो गई है, तो तुमने उसको जौ डाल दिया इधर। कहता नहीं साहब, गेहूं डाले हैं उसमें गेहूं नहीं हुए, जौ बने। कहते कैसे हो सकता, ये नहीं बनता, नहीं बनेगा। कहता कभी नहीं। तो कहते मैं तो देखता हूं कि आप जो काम करते हो, काम आपके बुरे हैं, और आप आशा रखते हो कि खुदा आपको बख्श देगा, आपने बो दिए हैं जौ और आपको तो आशा है कि गंदम निकलेगी, गेहूं निकलेगा। चुप हो गया, सोच में पड़ गया कि आज तक किसी ने उसको इस तरह नहीं बताया, और ये मेरा गुलाम होके भी बिल्कुल डरा नहीं, और मेरे मुंह के ऊपर मेरी जाहिर बात उनकी सब बातें कर दी। इसके दिल के अंदर ख्याल आया, ये जरूर तो बड़ा आदमी है, इसने अपनी गलती को, अपने गुनाहों को कबूल तो कर लिया। पूछा भला कौन हो तुम, उसने कहा मेरा नाम लुकमान है, मगर असल कौन हो। तब हजरत लुकमान ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। वो फौरन उनके पांव पे गिर गया और बहुत माफी मांगी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की और भी ऐसी कुछ बातें अकल की हैं जिससे इंसान को बहुत समझदारी मिले। सूरतुल लुकमान कुरान शरीफ के अंदर एक चैप्टर है, उसका नाम ही लुकमान है। अल्लाह ताला ने लुकमान और उनके बेटे के डायलॉग कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है। बाप बेटे का डायलॉग होता है, आज मेरे पास आज की वाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है कि बाप बेटे का डायलॉग क्या होता है, लेकिन ये डायलॉग आप कुरान में पढ़ो तो आपको पता लगे, हमको जीवन की बहुत सी बातें उसमें से मिलती हैं। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि हमारा काम यह है कि जमात को अली नबी की हिदायत मिले, कि आज हम लाइफ डेडिकेशन की इस मजलिस में हाजिर हुए, हर महीने हाजिर होते हैं। भला लाइफ डेडिकेशन क्या है, हमारे मौला ने ऐसे बहुत से फरामीन फरमाए हैं, इन फरमानों के अंदर मौला ने हमें खुलासा दिया है। लाइफ डेडिकेशन का मतलब है कि एक आदमी इस्माइली है, जमात खाने आता है, 3 वक्त की दुआ पढ़ता है, 10 वन देता है, उसके अमाल भी अच्छे हैं। उसको ऐसा हुआ कि मैं अपने मौला की कोई खिदमत करूं। जिस आदमी को ऐसा विचार आवे कि मैं अपने मौला की कोई पर्सनल सेवा करूं, तो वो रास्ता ढूंढता है,
मौला का अगर मकान इधर हो और हजर इमाम इधर रहते हों, तो हम मौला के घर जाके उसका अगर बगीचा है तो थोड़ा बगीचे में काम करो, या मौला के घर में जाके बर्तन धो डालो, मौला के कपड़े धो डालो, मौला की गाड़ी साफ कर दो, मौला के शौफर बन के उसकी गाड़ी चला दो, मौला के घोड़े हैं उनकी रखवाली कर लो। ऐसे हजारों तरीके हैं कि हम अपने मौला की कोई खिदमत कर सकते हैं, लेकिन मौला ने कहा है कि खिदमत का दर्जा इबादत जितना है, तो खिदमत करने के लिए हम इस्माइलियों के दिल तड़पते रहते हैं कि हम अपने मौला की कुछ खिदमत करें। पर वाकई खिदमत बहुत बड़ी चीज है, और खिदमत करना और उस खिदमत का कोई जाहिरी इवज न लेना, यानी वॉलंटरी सेवा करना, खिदमत करके पैसे और पगार न लेना, उस खिदमत को खिदमत कहा गया। रहमत करके इमाम अपने नौकरों को भी उस खिदमत का इवज दे देते हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की एक बात करूं, कच्छ का एक नखी जो जाहिर बाने भी दुनिया भाने भी मौला के साथ बहुत दोस्ती रखता था और मौला के साथ खुली छूट से बातें करता था, क्योंकि छोटी उम्र से साथ बड़े हुए थे। उसने एक दिन अरज की, बम्बई आया, मेहमानी रखी, मौला के कहता है कि खुदावन, वो कच्ची में बोलता था और सुल्तान मोहम्मद शाह सिंध में पैदा हुए थे, बहुत अच्छी सिंधी जानते थे और सिंधी कच्ची बहुत मिलती है। मौला को कहता है कि जिबू, ये बुजुर्ग और राजे महाराजे होते हैं उनको ऐसा एड्रेस किया जाता है, जिबू हम अपनी डाल पूछा। सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमाया, पूछो मुखी क्या है। कहते खुदावन, तू को मत राजी थिए तो करो दिए। सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, मैं उसको अपनी सेवा दूं। सर नीचा किया यानी आमीन किया, फिर पूछता है कि खुदावन, तू बधारे राजी थिए तो करो थिए करो दिए। सब फरमाया, मैं उसको और सेवा दूं, उससे बड़ी सेवा दूं। फिर से नीचा किया, उठा के कहता है कि खुदावन, तू जिजो राजी थिए तो करो दिए। तो बाबा फरमाया, उसको मैं बहुत सेवा दूं। तीनों वक्त उसने जो चीज का सवाल किया कि तू राजी होवे तो क्या देवे, खिदमत। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, एक लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, हर वक्त इमाम की राजी का, उसकी खुशी का इंसान के ऊपर जो अक्स साया पड़ता है तो वो ये होता है कि मैं अपने मौला की सेवा करूं। जिस आदमी के दिल में ये ख्याल आता है कि मैं अपने मौला की कोई सेवा करूं, तो याद रखो मौला उसके ऊपर राजी है। ये राजी होने के कारण से उसको ये बात सूझी। बिल्कुल इसी तरह से लाइफ डेडिकेशन का मेंबर बनने के लिए, कि जिसके लिए इमाम ने फरमाया, तुम्हारी सारी जिंदगी की सेवा मैंने कबूल की, ये सेवा क्या हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आया मेंबर बनते वक्त, पैसे देते वक्त, कि मैं मौला की कुछ सेवा करूं, मौला मुझ पे राजी होवे, ये ख्याल से हम लोग मेंबर बने हैं कि लड़कों को माँ बाप ने डाल दिया, ये सब कोरिए बैठे हुए हैं। हुक्म तो ये है कि 18 बरस के नीचे कोई मेंबर न बने ताकि उसको समझ होवे। हुक्म तो ये है कि ये मेंबर बनो लोगों को कहने से नहीं, लोगों को देखकर नहीं, देखा देखी या उसकी इमिटेशन करने के लिए नहीं। इन बच्चों को सवाब जरूर मिल गया, लेकिन ये बड़े होके अपनी मर्जी से तो ये माइंड मेंबर नहीं बने, इनको तो लाया गया। अब अगर ये बच्चे जो ये चीज नहीं समझते, तो इसका गुनाह उन माँ बाप के ऊपर के जिन्होंने अपने बच्चों को इसका मेंबर बना दिया समझाने के बगैर। बच्चा छोटा है, घर में अकेले रख नहीं सकते। वाइफ ने कहा हस्बैंड को कि मैं भी मजलिस में जाने के लिए क्या करेंगे, बच्चे को कहाँ रखेंगे। कोई बात नहीं है, ले आओ, हम मेंबर बना देंगे लाइफ का। चलो अभी वो गोद का बच्चा मेंबर बन गया। इस मजलिस का ये हेतु नहीं है
ये मजलिस तो क्या, जितनी भी मजलिसें हैं बख्शीश की मजलिसें, बख्शीश की मजलिसों में 5 साल लाइफ डेडिकेशन और दूसरी ऐसी बहुत सी बख्शीश की मजलिसें हैं, इन बख्शीश की मजलिसों के अंदर हम अगर समझ के बगैर आए हैं, देखा देखी आए हैं, एक इस प्रथा के हिसाब से कि लोग कहेंगे अरे तू 5,000 शिलिंग ना दे सका, इसके लिए हम चलो मेंबर बन गए, तो हमने तो इस मेंबर का जो हेतु है, लाइफ डेडिकेशन का जो मकसद है, लाइफ डेडिकेशन के अंदर जो एसेंस है वो तो नहीं समझा। होना तो ये चाहिए कि हर आदमी अपना पैसा कमावे, इन बच्चों ने अपने पैसे की कमानी से मेंबरशिप नहीं ली, ऐसे और भी बहुत से हैं कि जिन आदमियों को वारसे के अंदर मिल गया या किसी ने किसी का नाम डाल दिया वो भी बराबर नहीं। हम एक दूसरे को अपनी मोहब्बत जताने के लिए एक दूसरे को डाल देते हैं, ठीक है वाइफ हस्बैंड के माँ और बाप वो ठीक है वो चलता है, लेकिन यार दोस्त भी एक दूसरे को कहते हैं अच्छी वे नक्शी में पैसा हूं दिया तो भाई उसने पैसे दे दिए, मगर ये तरीके बराबर नहीं है। इस मजलिस का जो हेतु है तो वो ये है कि आप अपनी कमानी में से, और वो भी कमानी के जिसमें से 10% निकाला होवे, और वो कमानी के जो कमानी हलाल की कमानी होवे, किसी को लूट कर नहीं, दगा फरेब से नहीं, और सिर्फ एक कर्जा होवे तो पहले कर्जे वाले को दो, मेंबर बाद में बनो। इस्लाम के अंदर हज करने के लिए एक प्रथा है और शरीयत के अंदर हुक्म है, अलबत्ता हज करना जिस तरह से सलात और जकात है उस दर्जे का यह फरीजा नहीं है। सलात और जकात यानी दुआ और दसवंत उसकी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हज में ऑप्शन है। हज उसके ऊपर है कि जिसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, हज उसके ऊपर है कि जिसके माँ बाप गुजर चुके हैं, अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, वो तुम्हारा हज है, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज नहीं। इसी तरह से अगर किसी के तहत के अंदर उसके भाई के या सगे कुटुंबी के किसी विधवा या यतीम बच्चों की जिम्मेदारी और जोखिमदारी उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो वो आदमी अगर ये समझे कि मैं पहले हज करने जाऊंगा तो बाद में यहाँ खराबी हो जाएगी, तो नबी फरमाते हैं उसको भी हज करने की कोई जरूरत नहीं। जिसके ऊपर कर्जा है, नबी फरमाया कर्जा पहले अदा करो और फिर हज करो। देखो दिनदारो, मजहब जो है ना वो बड़ी पाक चीज है, मजहब जो है वो बड़े समझने की चीज है। अगर हम अपने मजहब के ऊपर बराबर चले तो हमको रूहानी ताकत मिलती है, और इस रूहानी ताकत से हमारे ख्याल बदलते हैं, हमारी जिंदगी बदलती है, हमारे अंदर अच्छाइयां पैदा होती हैं, हमारी यहाँ कमजोरियां बदियां बुराइयां दूर हो जाती हैं। भले वो आदमी मालदार न भी बने लेकिन सुखी जरूर बनेगा। मेरा मतलब सुख का क्या है, जैसे कि मौलाना हज़रत इमाम ने इसका जवाब दिया है, मौला फरमाया अगर तुम बंदगी इबादत करोगे, अपने मजहब के कायदे कानून के ऊपर चलोगे, तुम अब फरमाते हैं भले तुमको दुनिया में दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। हज़रत इमाम ने उसका जवाब दिया है, अगर तुम अपने मजहब के ऊपर बराबर चलोगे तो माँ बाप फरमाया भले तुमको जिंदगी में दुख आएंगे, क्यों कि इंसान की जिंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है, मगर मौला फरमाया तुम दुखी नहीं होगे, तुमको दुखों का सामना करने की ताकत मिले, तुम्हारे अंदर रूहानी ताकत पैदा हो जाएगी कि तुम दुखों के अंदर घबराओगे नहीं, तुम्हारी मेंटल बैलेंस जो है वो बराबर रहेगी, और इसलिए तुम अपने दुखों में से निकलने का रास्ता ढूंढ सकोगे। तुमको किसी और के पास जाके
अपना दुख रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाय मैं मर गया, मैं क्या करूं, मैं किधर चला जाऊं, ऐसी हालत नहीं बनेगी। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तुम्हें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तुम्हें मुंझारा नहीं होगा, तुम्हें घबराहट नहीं होगी, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि चारों बाजू अंधेरा हो गया, अब मेरा क्या होगा। ये भय खौफ हुज़्न मलाल जिसको कहते हैं, तुम्हारे दिल में खौफ और डर और भीत नहीं होगी अगर अपने मजहब पे चलोगे। मजहब यह है कि जो कुछ भी अमल करो खुदा को हाजिर समझ के अमल करो, जानबूझ के अमल करो, सोच समझ के अमल करो कि मैं जो करूं ऐसा करूं मौला मुझ पे राजी हो गए। हमारी आदत हो चुकी है कि आज हमने अपने मजहब को मार्केट के अंदर रख दिया है कि जिसके ऊपर एक टिकट लगाई है, इसकी इतनी प्राइस है। नौवीं रात की मजलिस में आने की प्राइस का टैग क्या है, उसके ऊपर टिकट लगी हुई है 500 शिलिंग। 1200 में आने के लिए 1200 शिलिंग। लाइफ में आने के लिए 5000 शिलिंग। तो क्या मजहब मार्केट में है? क्या मजहब पैसे से बिकता है? और वो पैसा कि जिस पैसे के पीछे ना हम हलाल सोचते हैं ना हराम सोचते हैं, वो पैसे के पीछे कि जिस पैसे के पीछे लग जाते हैं तो जवाब खाना भूल जाते हैं, वो पैसा जिस पैसे के पीछे लग जाते हैं तो दुआ भूल जाते हैं। आज हमारी हालत क्या है? गई कल मैंने कड़िया को के अंदर वाइस की, मैंने कहा 10 महीने के बाद आया हूं, मैं 40 बरस आपके पास रहा हूं, दारुसलाम की जमात मेरी जमात है, मैं अपने आप को दारुसलाम वाला समझता हूं। यूं तो मिशनरी सारी दुनिया की जमातों का मेंबर है, सारी जमात दुनिया भर की मेरी जमात है, लेकिन चूंकि मैं आपके पास रहा हूं, मैं 40 बरस रहा हूं आपके साथ, कई मेरे सामने पैदा हुए हैं, बड़े हो गए हैं, पर कई बड़े लोग थे जिनको मैं जानता था, आज उनकी यादें रह गई हैं। ये लाइन भरी होती थी, कोई 60 बरस का, कोई 70 बरस का, उनमें कोई नजर नहीं आता, एक बूढ़ा आदमी 96-97 बरस का नजर आता है, लेकिन इस जमात के साथ मेरा दिल बांधा हुआ है। मैं अपना समझ के जिस तरह सगे होते हैं, मैं दारुसलाम जमात का सगा हूं, इसलिए मैं कहता हूं 10 महीने के बाद आया हूं। मैंने कल कहा मुझे बहुत दिलगिरी हुई, दारुसलाम की जमात में से नूर घट गया है, आपकी आंखों में वो रोशनी नहीं जो आज से 5-10 बरस पहले थी, आपके दिलों के अंदर वो उजाला नहीं कि जो आज कुछ बरसों पहले था, आपके मगज और दिमागों के अंदर, आपके अंतकरण के अंदर वो राहतें वो सुख नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा कि आप पैसे के पीछे बहुत ज्यादा पड़ गए हो, बहुत ज्यादा। सिर्फ दौलत कमाना आप लोगों की इस वक्त जिंदगी का एक मकसद बन गया है, आप में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन मेजॉरिटी आज इनके साथ चल रही है। इंडिया के किसी शहर में मुहर्रम की 10 तारीख थी, ये मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम की 10 तारीख थी, गांव छोटा सा था लेकिन तंग रस्ते थे, तो मुहर्रम का ताजिया निकलता था, 10वीं तारीख को इस्नाशरी लोग ताजिया निकालते हैं, और खैर उन लोगों का मजहब है, खुदा उसको सलामत रखे, तो कई लोग छाती पीटते हैं, हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैन या हुसैन, कोई संगल रहके चेन लेके अपनी नंगी पीठ के ऊपर मारते हैं, आदमी बहुत है। अब एक आदमी बनिया, बनिया का मतलब जो व्यापारी होते हैं, हिंदू था, उसको ये तरफ से उस तरफ जाना था, रोड क्रॉस करना था, और बहुत उतावल थी उसको, मगर आदमी इतने थे कि बहुत देर तक तो ठहरा रहा, आखिर हिम्मत करके उसने सोचा कि मैं हो जाऊंगा पार, लेकिन इतने जोर के आदमी रेला था कि ये भी साथ उनके चला गया। इसने सोचा कि लोग मुझे कुछ बुरा न समझें, तो इसने भी छाती के ऊपर हाथ मारना शुरू किया,
आली भराना आली भराना आली भराना, यानी मैं पकड़ा गया हूँ, आ गया हूँ। अपनी जमात के अंदर ये जो इस वक्त पैसे का, पैसे की मोहब्बत का, पैसे का प्रेम का हमारे दिल के ऊपर जो असर हुआ है, तो इस सैलाब के अंदर, इस तूफान के अंदर हमारे बहुत से नेक भाई बहन भी आली भराना आली भराना ये उसके अंदर बेचारे पकड़े गए हैं। मगर मैं होशियार करता हूं, दुनिया जरूर कमाओ, दीनदारों जरूर कमाओ। हमारे मौला ने कहा है कि दुनिया और दीन में बैलेंस रखना, ये हमारा मजहब है। मगर दुनियादारी के अंदर हम इतने फंस जाए, सुबह के वक्त मैं इधर अभी तक नहीं आया, उपांगा के अंदर 20-22 मर्द आदमी, 25-30 औरतें, और मुझे इधर की रिपोर्ट मिली कि इधर की भी हाजिरी उससे कुछ अच्छी जरूर है, लेकिन इधर 1200-1500 आदमी के अंदर कितने आदमी आने चाहिए। शाम को भी हाजिरी हमारी कमजोर हो गई, क्या हो गया? जमात तो इधर है, जमात तो है, इमामत देते दिन खाना खाने के लिए तो इतने लोग आए थे कि उससे तो 20% भी जमातों में नजर नहीं आते, तो क्या गैर लोग आए थे खाना खाने के लिए? हम ही थे ना। शाम को घरों में बैठ के वीडियो देखो, मगर पहले जमात खाने आ लो, फिर घर जाके देखो। उसमें कोई हराम काम नहीं है, वीडियो देखना कोई भी बुरा गुनाह नहीं, हाँ गुनाह बन जाता है जब आप दुआ छोड़ के, जमात खाना छोड़ के उसको देखते हो, तो वो चीज गुनाह बन जाती है। वही चीज एक ही अमल होता है, एक औरत को पकड़ के खुदा न खास्ता उसके साथ कभी ताल्लुक पैदा किया जावे तो वो गुनाह है, लेकिन उसी औरत के साथ निकाह कर लो, मैरिज कर लो, तो वही चीज हलाल हो जाती है जो पहले हराम थी। यही बात यह है, वीडियो देखना कोई खराब गुनाह नहीं, लेकिन दुआ और जमात खाने के वक्त उसको भूल के कभी आप बोलो, और कोई लोग कहें हाँ हम जमात खाने नहीं आते, चलो ना सही मिशनरी साहब, लेकिन दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ते हो घर पे, इमाम का घर छोड़ के, इमाम फरमाया कि तुम मेरे घर पे आके मुझे सलाम करो, दुआ पढ़ो, मेरी दुआ सीख लो। उधर भले दुआ पढ़ लेते हो, तो दुआ न पढ़ने के गुनाह से जरूर बच गए, लेकिन मौला के घर पे आके जो दुआ सीख मिलती है, वो घर दुआ पढ़ने से दुआ सीख नहीं मिलती, दुआ का सवाब नहीं मिलता। एक ही चीज बन गई कि दुआ न पढ़ने का गुनाह से बच गए, मगर घर दुआ पढ़ने का सवाब नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि हमने जानबूझ के दुनिया की खातिर वो चीज छोड़ दी। लाइफ डेडिकेशन वालों के ऊपर ये चीज फर्ज है कि उन्होंने अपनी जिंदगी मौला को दे दी है, अब अपने जीवन को वापस मौला के हाथ से छीन रहे हो। एक दफा मौला को दे चुके हो तो मौला जिस तरह कहता है उस तरह चलो। लुकमान हकीम की बात मैंने क्यों सुनाई कि वो नबी भी थे, मगर जब गुलाम बनाए गए तो अपने सेठ की गुलामी करते थे। मौला को हमने अपना जीवन दिया, लाइफ डेडिकेट की, मगर अब हम वापस मौला के हाथ से ले रहे हैं, हमारी मर्जी से हम जी रहे हैं। लाइफ डेडिकेशन का ये मतलब नहीं है। मौला के फरमानों के अंदर फरमान है कि जो गरीब आदमी है, लाइफ का काम करने की इच्छा है, तो अपने खाने पीने मौज शौक के खर्च से, पान सोडा रेस्टोरेंट वगैरह के खर्च से पैसे बचा के वो पैसे इकट्ठे करें, और जब उनके पास पैसे हो जाए तब वो लाइफ में आवे। ये मेहनत के पैसे से, बचाए हुए पैसे से जब वो मेंबर बनता है तब उसको इसकी कदर भी होती है, और आसानी के साथ कमाया हुआ पैसा हमारे दिल में ईमान पैदा नहीं कर सकता। हमारा हजरत इमाम बड़ा दया वाला है, बड़ा रहम वाला है। हम अपने गुनाहों को जब भी याद करके माफी चाहते हैं तो मौला अगले पिछले सब गुनाह बख्श देता है। हमारे दिलों के अंदर इमाम जमान की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ही भाई, आपकी ही बहने, जो आज से 8-10-15 बरस पहले इधर से कनाडा चले गए, उन कनाडा की सख्त सर्दियों के अंदर, बर्फों के अंदर भी वो सुबह परोड़ी जमात खाने में आवे, शाबाश है ना उनको। आप इधर आजू बाजू में रहते हो तो नहीं आ सकते, और वहां आने वाले 20-30-30 माइल से परोड़ी 4 बजे पहुंच जाते हैं, तो 3 बजे उठते होंगे, 2:30 बजे उठते होंगे। जिस तरह मैं यहाँ वॉलंटियर्स को देखता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मोस्टली तंजानिया के ही बच्चे ज्यादा वॉलंटियर का काम करते हैं। ये तंजानिया को एक फखर की बात है, वहां के वॉलंटियर 2:30 बजे रात को उठ के 20-20 माइल जाके गाड़ियां ले जाते हैं और लोगों को उठा के ले आते हैं, दुआ सफा होने के बाद उनको छोड़ने जाते हैं, वापस आते हैं, तैयार होते हैं, कोई काम पे जाता है और कोई उधर जाता है पढ़ने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के अंदर। डॉक्टर और बैरिस्टर और लॉयर परोड़िए जाके लोगों को गाड़ियों के अंदर उठा के लाते हैं, वॉलंटियर पने की ये खिदमत है, ये एम है, ये एसेंस है इमाम के घर की सेवा का। लाइफ डेडिकेशन का यही मतलब है कि जाहिर भाने बातुन भाने, हर हालत में जानबूझ के और अजान तौर पे दोनों तरीकों से हमने अपना आप सब कुछ मौला को दे रखा है, इसलिए इमाम के घर की खिदमत करते रहो। और खिदमत सबसे पहली चीज ये है, रोज जमा खाने आओ, सुबह और शाम आओ, अपने बच्चों को मजहब सिखाओ, अपने बच्चों को लेके आओ, और सुबह और शाम की हाजिरी बहुत जरूरी है। मैंने कल ही वाज में कहा, 15 बरस पहले जब कनाडा की जमात स्टार्ट हुई थी, 300-350 आदमी थे जनवरी सेंटर के अंदर जब मैं कनाडा गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ अमेरिका के अंदर 50,000 इस्माइली हैं, 36,000 कनाडा में हैं, 14,000 स्टेट्स में हैं, मगर उनकी स्टेबिलिटी का और इतनी जल्दी जम गए और इतनी जल्दी काम धंधे मिल गए, इनको कामयाबी का कारण क्या था कि जहां भी इस्माइली गए, 2 जने थे तो 2 जने, 10 जने थे तो 10 जने, उन्होंने जमाखाने बनाने शुरू कर दिए। जमाखाने खरीदे नहीं गए, किसी के घर में जमाखाना बन गया, किसी ने एक रूम निकाल दिया, किसी ने किराए के ऊपर ले लिया, मगर हर रोज शाम को वो उधर आके दुआ पढ़ें, मौला को याद करें, उसकी मदद मांगें, उसकी रहमत मांगें, एक दूसरे को मिले गिले। इन जमात खानों की वजह से कनाडा की जमात जम गई जल्दी से, 50-50, 60-60 सिंतर बरस की कौमें उधर बैठी हैं, सिंगे लोगों को सिंतर ऐसी बरस हो गए हैं, और उधर 60-70 हजार के ऐसी हजार सिख हैं बीसी के अंदर, 50-50, 60-60 बरस से ग्रीक कौमें हैं, इटालियंस हैं, जर्मन हैं, मगर उनके सामने हमारी 15 बरस की वसाहत 36,000 इस्माइली आज बने, और आज इस्माइलियों के अंदर बैंक मैनेजर्स हैं, सिटीजन कोर्ट के अंदर अपनी एक इस्माइली बाई जज है, और ऐसे इमिग्रेशन के अंदर ऑफिसर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वो एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं। ये आज कारण क्या? इमाम की दुआएं रहमतें, मगर जमात खानों की खातिर, जमात खाने में हाजिरी की खातिर इमाम के दोनों हाथ उन लोगों के ऊपर पड़ गए, इमाम ने उनके ऊपर रहमतें कर दी। जितना जमात खानों को आबाद करोगे, जितना जमात खाने की खिदमत करोगे, जितना जमात खाने की हाजिरी दोगे दीनदारों, उतना ही आप सुखी बनोगे, आबाद बनोगे, माल भी मिलेगा, और वो भी कि जिनको कभी मालदार बनने का चांस नहीं भी मिला तो भी वो लोग सुखी रहेंगे। मौला आपको हमेशा सुखी रखे, मौला आपके ऊपर हमेशा राजी होवे, मौला आपके सबके गुनाह बख्श दे रहे, मौला आपको सुबह शाम जमात खाने आने की तौफीक दे रहे, दर्शन सुकृत में पूरा रखे, मौला आपके ऊपर हमेशा अपनी रहमतें नवाजशें बरकतें और आपको फायदे देता रहे। मौलाना हजरत इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, दर्शन सुकृत में पूरा रखे, ईमान बढ़ाए, ईमान मजबूत करे, चांद माल आल औलाद रोजी इज्जत आबरू रोजगार तंदुरुस्ती सब में बरकतें दे दें, आपस में सलाह सब मोहब्बत दे दें। मौलाना हजरत इमाम दिन दुगनी रात चौगनी आपको चलती करे, मौलाना हजरत इमाम जहरबात दीदार नसीब करे। आमीन।